तो जब वो कैरी करते हैं ओपन सिचुएशन में ओपन uh, कंडीशन में तो जो है एक स्मॉल आर्क जो है उसमें हो सकता है क्योंकि जो एनर्जी स्टोर होती है इंडक्टेंस की केबल्स में ओके okay, डिसिपेट होता है जब डिसिपेट होता है तो स्मॉल आर्क के जो है होने के यहाँ चांसेस होते हैं सो देन द एसी वोल्टेज रिवर्सेस एंड द आर्क दर्क तो फिर क्या हो जाता है जब भी ए क्योंकि एसी हमारा इस तरीके से फ्लो होता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव Um, जो है साइड में तो जब ये फ्लो होता है तब जब वो रिवर्स हो जाता है ओके okay, जब उसका जो है डिरेक्शन जो है चेंज हो जाता है और एसी करंट हमारा जो है रिवर्स हो जाता है तब रिवर्स हो जाने के बाद जो आर्क है वो क्या होता है एक्सटिंग हो जाता है यानी कि खत्म हो जाता है आर्क क्या हो जाता है एक्सटिंग खत्म हो जाता है ओके सो करंट इज सेफली इंटरप्टेड तो इस तरीके से सेफ तरीके से जो है करंट के रिवर्सल के बाद जो है, आर्क जो है है हो जाता है तो इस तरीके से क्या हो जाता है जो हमारा करंट है वो इंटरप्ट हो जाता है यानी कि हम उसको रोक देते हैं बीच में इस तरीके से सेफली इंटरप्शन हो जाता है करंट का बिकॉज जो वोल्टेज रिवर्सल होता है वो दो बार होता है एक साइकिल में ओके वोल्टेज का रिवर्सल कैसे होता है टू टाइम्स पर Cycle. किसकी बात हो रही है ये वोल्टेज के रिवर्सल की ओके okay. तो क्योंकि जो जो है इसका जो है है इसका वोल्टेज रिवर्सल होता है, तो इसीलिए जो ओपन कॉन्टैक्ट्स होते हैं सर्किट ब्रेकर के ओके okay. इसकी क्या हो रही है ओपन कॉन्टैक्ट्स की बात हो रही है ओके okay. तो उसमें जो है लार्ज गैप की कोई भी जरूरत नहीं होती वो लार्ज गैप जो है रिक्वायर्ड

ओके सर्किट ब्रेकर के सपोज ये कांटेक्ट्स हैं तो ये जो गैप है ठीक है ये जो गैप है ये किसी भी हालत में रिड्यूस नहीं होना चाहिए ओके okay, ये अवॉइड करना है ये रिड्यूस नहीं होना चाहिए इसका क्या रीजन है ऐसे में तो क्या होता था रिवर्सल का रिवर्सल हो जाता था वोल्टेज का दो दो बार ओके पर साइकिल लेकिन डीसी करंट में ऐसा कुछ होता नहीं है सो so, एक्सटिंग तो जिस तरीके, जिस तरीके से डीसी करंट के इंटरप्शन के टाइम जो है, है आर्क एक्सटिंग हो नहीं होगा क्विकली तो इसीलिए तो लो वोल्टेज जो होता है डीसी का दट इज टॉलरेबल लेकिन द आर्क शूट the circuit breaker will attract the arc away from the gap and it will eventually extinguish to jo lower voltage hote hai dc ke okay is situation mein jo hai agar suppose extinguish hone ke liye yani ki arc ke extinguishing ke liye agar suppose थोड़ा सा ज्यादा time लग भी जाता है तब भी जो है ये situation क्या हो जाती है Tolerable होती है कौन से voltage के लिए Low voltage के लिए in the DC. तो ये situation तो जो है tolerable होती है लेकिन तो इस तरह सॉरी जो लो वोल्टेज सिचुएशन होती है उसमें क्या हो जाता है फिर जो आर्क होता है सर्किट ब्रेकर में ओके okay, जो आर्क uh, होता है दैट विल अट्रैक्ट द आर्क अवे फ्रॉम द गैप ओके गैप से फिर ये दूर हो जाता है और आर्क जो होता है इवेंचुअली एक्सटिंग हो ही जाता है लेकिन अगर डीसी के हायर वोल्टेज की बात करें हायर वोल्टेज की अगर बात करें तो फिर उस सिचुएशन में क्या होगा

सर्किट ब्रेकर के डैमेज होने से पहले वो क्या करता है बहुत ही बड़ा एक्सपेक्टैकुलर जो है लाइट शो करता है ये दिखाने के लिए कि अब ये जो है हमारा सर्किट ब्रेकर जो है वो खत्म होने वाला है इसका विनाश होने वाला है सो ऐसे सिचुएशन में जब अगर सपोज हमारा सर्किट ब्रेकर जो है किसी सिचुएशन में मान लो हाई डीसी वोल्टेज के एक्सटिंगुएशन के टाइम अगर ये जो है आर्क के एक्सटिंगुएशन के टाइम सपोज एक्सचिंगिश तो नहीं होगा लेकिन अगर सपोज किसी भी तरीके से हमारा सर्किट ब्रेकर जो है बच भी जाता है सर्वाइव भी कर लेता है मुश्किल से से गलती भी भी तब भी क्या हो जाता है उसके उसके जो जो होते होते हैं हैं ओके वो तो डैमेज होंगे ही होंगे उसके जो है डैमेज के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं अगर गलती से वैसे तो वो सरवाइव ही नहीं करेगा एक बहुत बड़ा लाइट शो करके फिर वो तमाम हो जाएगा उसका काम लेकिन गलती से अगर ये बच भी जाता है जिंदा तब क्या होगा जो कॉन्टेक्ट होंगे उसके वो तो डैमेज होंगे ही होंगे तो इस तरीके से जो हाई सॉरी uh, इस तरीके से जो है हाई डीसी वोल्टेज को एंड करंट को जो है सेफली इंटरप्ट कराने के लिए हमें क्या करना होगा लार्ज कांटेक्ट गैप और फास्ट सेपरेशन जो है कांटेक्ट का वो कराना होगा पहली बात क्या बोली गई है इस हायर वोल्टेज यानी कि डीसी वोल्टेज के आर्क uh, एक्सटेंगेशन के लिए क्या बोला गया है कि जो उस, उसके कॉन्टैक्ट से कॉन्टैक्ट्स में क्या बोला गया है लार्ज गैप होना चाहिए और साथ ही साथ सेपरेशन जो होगा सेपरेशन जो होगा कॉन्टैक्ट का ओके okay. सेपरेशन जो होगा कॉन्टैक्ट का वो किस तरीके से होना चाहिए जल्दी होना चाहिए क्विकली फास्ट होना चाहिए ऑल्सो हमें उसके साथ साथ एक इफेक्टिव आर्क सिस्टम जो है वो लगानी होगी इन द ब्रेकर कौन सी कौन कौन सी सिस्टम यहाँ पे बोली गई है इफेक्टिव आर सेपरेशन सिस्टम ओके सो इफेक्टिव आर्क सेपरेशन सिस्टम जो है हमें वहां पे लगानी पड़ेगी सो so देट जो है हमारा आर के इफेक्टिवली जो है एक्सटिंग्विश हो पाए सो टू सेपरेशन यू कैन वायर टू आर मोर पोल्स इन सीरीज तो इसके लिए हमें क्या करना होगा इफेक्टिव सेपरेशन के लिए टू गेट दिस सेपरेशन यू कैन वायर टू और मोर पोल्स इन सीरीज तो दो या फिर दो से ज्यादा पोल्स को है हमें वायर कराना होगा इन सीरीज ओके बट सर्किट ब्रेकर डिजाइन एनरेटेड फॉर हाई डीसी वोल्टेज इज एन एक्सपेंसिव गैजेट लेकिन यहाँ पे बात सीधी सीधी बोली गई है कि अगर हाई वोल्टेज के लिए हाई डीसी वोल्टेज के लिए जो है हमें अगर सपोज हमारे सर्किट ब्रेकर को डिजाइन कराना है तो कॉस्टली तो होगा ही होगा एक्सपेंसिव तो होगा ही होगा सो द सेम कमेंट अप्लाई टू ऑल स्विच गेयर ऑपरेटिंग ऑन डी सी कॉन्टेक्टर्स Uh, DC contactors, relays, oscillation switches, circuit breakers. To get good interrupting performance on HVDC, you need the contacts to be separated far and fast, and you need effective arc separation to save the contact from erosion. तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो हमारी डीसी वोल्टेज हाई वोल्टेज सिस्टम है उसका जो जो है 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 हमें इफेक्टिव आर्क कराने के लिए ये तो एक्सपेंसिव गैजेट होने वाला है क्योंकि इसमें खर्चा लगने वाला है क्योंकि हाई वोल्टेज के लिए हमें डिजाइन कराना है हमारे सर्किट ब्रेकर को तो ऐसी सिचुएशन में खर्चा तो लगेगा ही लगेगा लेकिन हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जो कॉन्टेक्ट है उसके सर्किट ब्रेकर के उसका जो गैप है वो लार्ज होना चाहिए ओके okay? और साथ ही साथ जो सेपरेशन है उसके कॉन्टेक्ट का वो फास्ट होना चाहिए और यानी कि दूर होना चाहिए उसका जो गैप है वो ओके okay, और जो आर्क है एक्सटिंग होगा वो इफेक्टिवली जो है एक्सटिंग यानी कि सप्रेस हो जाए तो इस तरीके से हमारे जो ए सी सर्किट ब्रेकर उससे जो डीसी सर्किट ब्रेकर उसको हमें लोअर रेटिंग पे रखना पड़ता है ताकि वो जो है हाई रेटिंग पे अगर हम हम लोग सपोज रखेंगे तो क्योंकि वो एक्सपेंसिव तो जाएगा ही जाएगा उसके साथ साथ उसका हैंडल करना भी कितना मुश्किल होता है क्योंकि एसी में तो जो है टू टाइम्स यानी कि ट्वाइस टाइम जो है वोल्टेज का रिवर्सल हो जाता है पर साइकिल तो इसीलिए एक्सटिंग करना ईजी हो जाता है लेकिन डीसी में ये बहुत ही डिफिकल्ट होता है इसीलिए हम इसकी जो रेटिंग है वो लो रखनी पड़ती है ओके सो दिस वॉज इट पर टूडेज ट्यूटोरियल आई होप ये जो है आपको समझ में आया होगा मैंने जिस तरीके से भी हो पाए मैंने आपको समझाने की कोशिश की है तो अगर ये वीडियो जो है आपको पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना ना भूले ताकि इस तरीके की वीडियोज की रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे तो मिलते हैं हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में